यार स्वागत है आपका मेरा यूके फायर 20 चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी हिडन प्लेस पर जो मालदीव का है, और वहाँ मालदीव में अच्छी लोकेशन है, यहाँ आपको मज़ा ही आ जाएगा गाइस। तो वहाँ चलते हैं गाइस। कल मैंने टायर डलाया फाइनली, ये देख सकते हैं आप, मिसलिन का टायर है। ये नया टायर आया है, ये रेडियल नहीं है पर बहुत बेस्ट टायर है। 4,500 रुपये के अराउंड आता है ये, और अगला टायर भी डालना है अभी। इनका गर्मी तो बहुत हो रही है गाइस, तो फिर भी हम आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को एक कंटेंट मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, और एक गाइस बिन हेलमेट की चॉपलिंग कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप। पल्सर 150 में, शायद 180 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप, ऐसे मत किया करो प्लीज़ यार, रोड है, कुछ भी बात हो सकती है, सेफली चलाया करो गाड़ी। शाम का समय और मालदीव में भीड़ ही भीड़, आप देख सकते हैं ये मालदीव का बाजार है, और यहाँ भीड़ हो रही है यहाँ पर एक। तो गाइस मैं जैसा कि जितनी भी बातें बताऊँ वो कम है यहाँ के लिए। मालदीव बहुत अच्छी सी जगह है, एक हम घूम सकते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से, और ऊपर की पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, इतने क्लोज, इतनी प्यारी पहाड़ियाँ देहरादून के अंदर, मज़ा आ जाएगा गाइस। आप गाड़ी आ रही है जगवार की गाड़ी, तो गाड़ी देख सकते हैं जगवार की, ओ जगवार की गाड़ी देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा ही ऊपर आया पर इतना मजा आने लगा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं पहाड़, ये वादियाँ, तो लुक एट दिस, केक देखो कितने बढ़िया लग रहा है गाँव में, मैं अकेला निकला हूँ। यहाँ के पहाड़ भी देखते हैं, ऊपर ऊपर के पहाड़ भी दिख रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम फिलहाल अभी जगह आ चुके हैं, हाँ सुकून ही सुकून, और मैं अकेला। तो ये एक नीचे को पुल जाता है जो टीवी की तरफ जाता है, इसके रास्ते टीवी की तरफ, और यहाँ नहाने के लिए इतनी भीड़ है कि अब 5 साल तक वारंटी चेक करेंगे कि कटपट तो नहीं लगता है कि नहीं। तो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाता हूँ, टाइम चलने लगा है, अरे दिखाता भी पड़ी नहीं। तो ये कुछ ब्रांच का जूस है, बट रहा है, मतलब ये बेचने के लिए खड़े हैं लोग, बोलिए अभी कैसे बोलो कैसे नहीं बोलो, क्योंकि रास्ता ऐसा हो रहा है ना भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। रिजॉर्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, रिजॉर्ट और कितना अच्छा माहौल मिल जाएगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ का सरकारी स्कूल आ चुका है, तो यहाँ पर पढ़ते होंगे यहाँ के बच्चे छोटे छोटे। यहाँ ट्रक आ चुका है, यहाँ ट्रक यहाँ से बच चुका है, कुछ लड़ाई होने चल रही है दारू जी के साथ, गाय किसी ने नहीं कर दिया, कैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं ऐसा, गाय को कैमरे ऑन रखना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है गाइस, दारू पी के लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और किसी से मिस बिहेव ना करे, क्योंकि गांव वालों के भी एक जाम, देखो ना गाइस कितना बड़ा लगा है, जैसे कि गर्म हो चुकी है गाइस, हम लोगों को देखते गर्म हो चुकी है, देखे कि क्या होता है। तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे, कहीं से उम्मीद भी नहीं लग रही है कि
गाड़ी देख सकते हैं नीचे गाड़ी और ऊपर हम और सामने गाड़ियाँ रॉन्ग साइड हम तो सीन पूरा कैद होने वाला है गाइस। तो ऐसा है कुछ माल देखता हमारा और पानी की जगह है ये। तो हाँ गाइस पिकनिक करने भी आ सकते हैं आप, वो सामने रिजॉर्ट है इधर है ये सब है सारी चीज़ें घूमने की है, स्टे करने भी आ सकते हैं गाइस। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पर टावर नहीं आते गाइस। यहाँ टावर थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा ना मैं अभी तो टावर आना बंद हो जाएंगे, क्लोज बिल्कुल क्लोज। तो ये पुल है यहाँ जाने का, और ये भी बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत अच्छा होगा दिखने में, तो यहीं से अच्छा लग रहा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा। और यहाँ नहाने की जगह गाइस क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ नहाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आगे चलते हैं रोड पर। तो मैं कह रहा था कि जैसे लोग आते हैं ना बाहर से तो लोग दारू वगैरह पी के आते हैं और तो देख के रखते हैं नहीं क्योंकि अनट्रेन होते हैं, तो एकदम से चढ़ा देते हैं तो गांव वाले तो गुस्सा होंगे ही ना गाइस। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यहाँ जाएँ सेफली जाएँ और सेफली ही रखें लोगों को भी। तो नजर जा रही हूँ वहाँ पहाड़ है गाइस, लग रहा है ना जैसे गढ़वाल में आ जाऊँगे, पर ज़्यादा ऊपर नहीं आए हैं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 किलोमीटर ऊपर आए होंगे और मेरे हिसाब से वो भी नहीं आएंगे। कभी हमारे साथ ऐसा होता था कि हम लोगों के पास जगह कम पड़ जाती थी गाइस, मेरे दोस्त इतने सारे रहते थे कि हम लोगों के पास जगह कम पड़ जाती थी गाइस कि बिठाएं कहाँ। पर आज ऐसा है कि आज पीछे वाली सीट में कोई, आपको ये दिखाने लाया था मैं जगह सुहानी है जो आपको दिखानी है मुझे, और अभी तक हट्टी का हट्टी का रस्ता कुछ पता नहीं लगा है। तो यहाँ लोग सब नहाने आ रहे हैं गाइस, संडे का दिन है वैसे भी छुट्टी का दिन होता है। हाँ मुझे अभी तक तो गाइस हैकी गौरव तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वापस चलते हैं हम सीधा, मुड़ते हैं यूटर्न लेते हैं। आप कैसे कैसे रास्ते पर जाना पड़ता है, इतने पतले पतले रास्ते हैं और ट्रक भी है साथ में। एक हल्की सी चूक और हम नीचे, तो यहाँ पर वो सीन है तो इसीलिए बहुत साफ के लेज नहीं बन रहे हैं, ये कपूरवान भी है। और मैंने इसमें एसपी का स्टॉप लगा दिया। तो राइडर सामने आ रहे हैं, गाड़ी टूट रही थी तो देख सकते हैं पकड़ के बैठे पावर, तो पावर इन पे आ गई और मैं पे थोड़ी पावर कम है तो फिर भी हम मुकाबला करने की कोशिश करेंगे और टायर भी बन जाए हमारा। और गाइस लाइट लाइट जलती रहती है इसमें,
इसमें कितनी औसम है यार। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं लेकिन यार यहां में पिघल गया। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और हम मेरे साथ मेरे भैया हैं बड़े जो सुनील भाई हैं और नेगी जी और ये हमारे परवीन भाई रियर करेक्टर। तो मिलते हैं ऐसे किसी न्यू व्लॉग पर और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और देख सकते हैं आप हमारा कुरियर का काम है किसी को भी भैया पिन कोड 248005 में संपर्क करें तो हमारे पास आएगा और डिलीवरी तो बिल्कुल सूसा होती है। और ये हमारे पमार जी इनका रेस्टोरेंट बहुत तगड़ा है यहाँ पर तुनवाला पे दिव्य विहार अपोजिट साइड।